हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सूखे के हालातों में प्रदेश की सरकार पशुपालकों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। जैन गौपालन एवं खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने सूखे की स्थिति में नंदी गौशाला में गौशालाओं के प्रतिनिधियों की बैठक ली। राजस्थान सरकार के खान एवं गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जिले में अकाल एवं सूखे की स्थिति को देखते हुए नंदी गौशाला बाड़मेर में गौशालाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में सूखे एवं अकाल की स्थिति को देखते हुए चिंतित हैं। इसको लेकर वे चूरू बीकानेर जैसलमेर एवं बाड़मेर के दौरे पर हैं और गौशाला के प्रतिनिधियों से एवं पशुपालकों से अकाल एवं सूखे की स्थिति से जमीनी हकीकत को जान पाए। जैन ने कहा कि गौशालाओं को प्रदेश में अनुदान देने का कार्य भी पूर्ववर्ती सरकार के समय अशोक गहलोत ने ही किया। हमारी सरकार बनते ही हमने प्रदेश की सभी गौशालाओं के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक लेकर सुझावों के मद्देनजर गौशालाओं के संचालन में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। जैन ने कहा कि सूखे एवं अकाल की स्थिति को देखते हुए गौशालाओं के बकाए अनुदान को शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। जैन ने कहा कि अकाल की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री चिंतित हैं और सरकार से अकाल की स्थिति में हर संभव मदद मिलेगी। किसी भी स्तर पर कोई भी व्यवस्था करने में कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि मंत्री प्रमोद जैन लगातार प्रदेश में दौरे पर पशुपालकों के पास जाकर सूखे की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मंत्री स्वयं गौशालाओं का अपने क्षेत्र में संचालन करते हैं, इसलिए इनको पता है कि गौशालाओं के संचालन में क्या क्या परेशानियां आती हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए प्रमोद जैन भाया पशुपालन व खनिज मंत्री राजस्थान, इन्होंने ये कहा, जो इन जिलों में हालात है अकाल के, पानी नहीं पड़ रहा, ईश्वर से मनोकामना करते हैं कि पानी पड़े और हालात सामान्य हो। फिर भी हमारे आज जो चाहे चूरू में हो, चाहे बीकानेर में हो, जैसलमेर में हो, यहाँ हो, जो चिंता व्यक्त की है हमारे सम्मान्य विधायक महोदय ने, वहाँ के स्थानीय गौशालाओं के प्रतिनिधियों ने, तो अकाल का जो प्रबंधन पूर्व में जो हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब का रहा, कोरोना प्रबंधन रहा, ये तारीफ़ काबिल, खुद मोदी जी ने तारीफ़ की। तो मैंने आज मंच के माध्यम से हमारे प्रतिनिधियों को ये विश्वास दिलाया कि ईश्वर करे अकाल की स्थिति नहीं बने, लेकिन अगर बनती है तो सरकार की तरफ से चारा पानी पशुओं के शिविर, इनमें न तो पहले कोई कसर छोड़ी और न अभी कोई कसर छोड़ी जाएगी। सर, जिस तरीके से 5 की जगह 15 रुपए किलो के आसपास चारा हुआ, उसके बावजूद भी मिल नहीं रहा है, इस समस्या के समाधान के लिए किस तरीके की सरकार की प्लानिंग है? इसके लिए भी चारा प्रबंधन के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिन राजस्थान में जहाँ से उपलब्ध होगा वहाँ से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान में नहीं होगा, बाहर से मंगाना पड़ा तो बाहर से मंगाएंगे, लेकिन हमारे पशुओं को चारे से वंचित नहीं रखा जाएगा। इस समय देश पूरे में एक मुहिम छिड़ गई है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, राजस्थान सरकार का क्या स्टैंड है इस पर? गोवंश के प्रति हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से संवेदनशील हैं और राजस्थान के इतिहास में पहली बार अनुदान भी, तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री थे तब आपने चालू किया था, अभी भी हमारी सरकार बनने के बाद अनुदान बढ़ाया, छोटे पशु पे 16 रुपए था उसको बढ़ाकर 20 रुपए किया, बड़े पे जो 32 रुपए था उसको बढ़ाकर 40 रुपए किया, और अनुदान की प्रक्रिया में भी जो प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी थी उसको काफ़ी सरल किया है, और साथ ही देश के इतिहास में पहली बार हर पंचायत समिति पर एक नंदी गौशाला की योजना जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप गोपाल विभाग ने लागू की है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।